evaluate the integration of sine raised to power 8x minus cos raised to power 8x dx upon 1 minus 2 sine square x cos square x. क्वेश्चन को देखते ही ऐसा लग रहा है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, तो आप क्या करते हो, ऐसा लिख देते हो और अब आप अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अब आप देख रहे हो इसमें फिर से चांस बन रहा है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो आपके पास आ जाएगा बाकी टर्म्स एज इट इज हैं डिनोमिनेटर सेम है, अब इस एक्सप्रेशन में एक चीज समझ में आती है कि ये वन हो गया है, दिस इज इक्वल टू वन, और ये बन गया है माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, तो मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉस टू एक्स, सेकेंड पार्ट को मैंने वन लिख दिया था, अब हम इस एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं, अब हम साइन रेज टू पावर फोर प्लस कॉस रेज टू पावर फोर को और मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख रहा हूं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब इससे क्या होगा, अगर मैं एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी से रिलेट करूं तो मैं साइन रेज टू पावर फोर को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और वो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वन के इक्वल हो जाएगा, तो वो पूरा एक्सप्रेशन मैं फिर से बोलता हूं, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई होकर बच जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब आप समझ गए होंगे ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा और माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस सी। देखिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, तो क्लास एलेवेंथ के और टेंथ क्लास की अलजबरा की आइडेंटिटी लगाते हुए हमने इसे सिंप्लीफाई करा और एक आसान इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बच्चों आप सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर करना जो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर कॉमेंट करना और इसको सपोर्ट करना मत भूलिएगा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।